फ्रेंड्स आर कॉलम मॉड्यूल को कंटिन्यू करते हैं और आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन आर कॉलम की मेन स्टील बार्स राफ्ट से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट लैब के करस्पॉन्डिंग स्टील बार्स की कट लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं टेक्निकली कंसेप्शुअल वीडियो है सो आई रिक्वेस्ट वीडियो को आखिर तक देखिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स एक आर कॉलम में मेन स्टील बार्स के लिए लैपिंग क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को लिस्ट डाउन किया है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट को देखिए फ्रेंड क्या लिखा है मैन्युफैक्चरिंग लेंथ ऑफ स्टील बार्स आप एक चीज़ को जानिए कि जब स्टील इंडस्ट्री में मैनुफैक्चरिंग की जाती है स्टील बार्स की तो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है यूजली आप देखेंगे कितना होता है बारह मीटर इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं लेट सपोज एक बिल्डिंग को हम कंसीडर करते हैं जिसकी हाइट जो है जी प्लस फोर्टीन है और एक बिल्डिंग में जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है यूजुअली कितनी ली जाती है डिज़ाइन में थ्री जीरो फाइव जीरो मीटर राइट तो आप इस बिल्डिंग की टोटल हाइट की बात करें फ्रेंड तो कितना हो जाएगा पंद्रह फ्लोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो राइट तो ये वैल्यू आप देखेंगे कि ये फोर्टी फाइव मीटर से ज़्यादा हो रही है राइट सो फ्रेंड्स इस छोटी सी कैलकुलेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों को आर कॉलम की मेन स्टील बार्स को लैप uh, करने की ज़रूरत पड़ेगी सेकेंड स्टील बार्स आर फिजिकली सिलेंडर मेंबर तो एक टर्म को समझिए सिलेंडर मेंबर कहने का क्या मतलब हुआ एक स्टील बार की लेंथ को आप कंसीडर कीजिए ये एल मैंने देखा और इसकी क्रॉस सेक्शन को देखिए फ्रेंड तो ये कैसा होगा सर्कुलर शेप होगा इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए मानता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि लेंथ जो है दैट इज़ अ मच 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 ग्रेटर देन ए इसका मतलब दिस इज अ सिलेंडर मेम्बर सो एज़ अ रिजल्ट प्रैक्टिकली साइड पर यह एक चैलेंज की तरह हो जाता है कि स्टील बार को आप वर्टिकली खड़ा करें विदाउट एनी सपोर्ट तो इसलिए स्टील बार को एक सर्टन लेंथ तक काटा जाता है एज गाइडेड इन अस्ट्रक्चरल वर्किंग ड्रॉइंग तो फ्रेंड्स इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड वी नीड टू गो फॉर लैपिंग ऑफ द मेन स्टील बार राइट फ्रेंड्स वीडियो के शुरुआत में जैसा कि मैंने बोला कि आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लैब जो प्रोवाइड की जाती है आरसीसी कॉलम में यहाँ पे देखिए कॉलम एलिवेशन में जो पोर्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि राफ्ट से दो तरह की एक लॉन्गर लेंथ एक शॉर्टर लेंथ की स्टील बार को हमने इरेक्ट कर दिया और ये क्यों करते हैं स्टैगर्ड मैनर में या शॉर्टर लेंथ लॉन्गर लेंथ वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा फ्रेंड प्लीज़ डू वॉच फ्रेंड्स इस कॉलम शेड्यूल को रेफ़र कीजिए जिस कॉलम को हमने एनालिसिस में इस मॉड्यूल के लिए लिया है दैट इज ए कॉलम सी फाइव और इसके लिए अपने को रेफर करना है सेक्शन फाइव राइट फ्रेंड्स सेक्शन पाँच को रेफर कीजिए जो पोर्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ ये मेन स्टील बार की डिटेल बता रहा है सोलह सरिया पच्चीस डाय की रॉप फाउंडेशन से स्टार्ट हो रही है और ये सरिया आगे कंटिन्यू होगा कहाँ तक ग्राउंड फ्लोर लेवल तक राइट right? और यही स्टील की डिटेल कंटिन्यू होगी टिल ग्राउंड फ्लोर लेवल मतलब जब मैं फर्स्ट लैपिंग की बात करूँ तो मुझे पच्चीस डाया की ही स्टील को लैप करना है फ्रेंड्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ प्लीज ऑब्जर्व कीजिए ये देखिए इन दो टाइप ऑफ सरिये को हमें लैप करना है और ये दोनों टाइप की जो सरिया होगी उन दोनों के लिए जो स्टील की डाया होगी वो क्या होगी पच्चीस डाया राइट जैसा कि हमने शेड्यूल में ऑब्जर्व किया कट लेंथ को कैलकुलेट करना इट इज़ अ वेरी सिंपल ज्योमेट्री आप इस वीडियो के बाद एक ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिए कि जब भी हमें स्टील बार को लैप करना होगा तो सिंपली क्या करना है हमें फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है उसको डिफरेंस करना है प्लस लैप लेंथ को जोड़ना है योर कैलकुलेशन विल भी डन लेकिन आपको पहले ज्योमेट्री से इसको समझना चाहिए फिर उस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ज्योमेट्री को सिंपली अंडरस्टैंड कीजिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर लेवल राइट और उसके बाद ये देखिए ये क्या है फाउंडेशन लेवल राइट अब इस फाउंडेशन लेवल एंड ग्राउंड फ्लोर लेवल के बीच में जो हाइट है इसको जब हम कंसिडर कर रहे हैं और नीचे से मैं इतनी लेंथ को घटाऊँगा जिसको मैं कट कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस क्या है एल एलनोट इसको माइनस करेंगे तो बचे हुए सरिये की लेंथ यहाँ तक आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट जो क्या करना है मुझे ऊपर में जाएंगे तो ये अगेन एल एलनोट की वैल्यू को जोड़ना है प्लस एक लैप लेंथ को जोड़ना है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने L1 की वैल्यू क्या लिखी है प्लस फोर फिफ्टी माइनस माइनस फोर वन टू फाइव बेसिकली ये दो फ्लोर के लेवल डिफरेंस को मैंने लिखा है माइनस एल नोट जिस वैल्यू को मैंने यहाँ पे कट किया है ड्राॅइंग में देखिए एंड प्लस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में क्या करना है एल नोट को जोड़ना है और एक लैप लेंथ को जोड़ना है अब आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे एल नोट एल नोट विल बी कैंसिल आउट और ये क्या है आपका फ्लोर डिफरेंस राइट अब इस डिफरेंस के साथ में आपने क्या जोड़ा है लैप लेंथ को ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है फाइव एट टू फाइव मिलीमीटर सब एल टू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अगेन दो फ्लोर के बीच का डिफरेंस को लेते हैं जो बेसमेंट का फिनिश फ्लोर लेवल कितना मार्क किया हुआ है माइनस फोर वन टू फाइव ग्राउंड फ्लोर इज़ प्लस फोर फिफ्टी राइट अब उसके बाद जो पोर्शन को मुझे बेसमेंट में घटाना है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली ये देखिए नीचे से मैं क्या करूँगा ये एल नोट की वैल्यू कट किया मैंने उसके बाद ये देखिए पहला एक यहाँ पे लैप लेंथ कटेगा प्लस दो लैप लेंथ के बीच का डिस्टेंस कितना मार्क किया हुआ है टिपिकली दिस इज अ 300 हंड्रेड mm. एम तो इसको माइनस करूंगा करने के बाद मेरे पास इतनी लेंथ बचती है राइट इसके बाद मुझे ऊपर की इतनी लेंथ को जोड़ना है तो इसके लिए क्या करेंगे एल नॉट को एड करूँगा प्लस टू टाइम्स लैप लेंथ एंड प्लस थ्री हंड्रेड एम ये समझने की बात है फ्रेंड एक बार समझिए उसको बाद सिंपल सा एक्सप्रेशन निकल के आता है तो L2 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है अगेन दिस इज अ फ्लोर डिफरेंस उसके बाद मैंने क्या किया नीचे से एल नोट को माइनस किया एक लैप लेंथ को माइनस किया और दो लैप लेंथ के बीच के गैप को 300 इसको माइनस किया और जब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो सरिया जा रहा उसके लिए क्या हाइट को हम लेंगे एल नोट को जोड़ेंगे एक लैप लेंथ लेंगे फिर थ्री हंड्रेड एम का गैप देन सेकेंड लैप लेंथ अब इस एक्सप्रेशन में फ्रेंड एल नोट कैंसिल हो जाएगा एक लैप लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा और ये 300 हंड्रेड mm एम की लेंथ भी कैंसिल हो जाएगी तो बचा हुआ क्या एक्सप्रेशन रह गया दो फ्लोर के बीच में डिफरेंस एंड एक लैप लेंथ राइट इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यही आपको याद रखना आगे के लिए तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो के कितनी आती है फाइव एट टू फाइव मिलीमीटर और L1 वन एंड एल की दोनों को वैल्यू को आप ऑब्जर्व कीजिए तो दोनों सेम आ रही है सो so फ्रेंड्स L1 वन एंड एल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप इस बात को ध्यान रखिए कि, कि कभी भी आपको कट लेंथ निकालनी है लैपिंग बार्स के लिए तो सिंपली क्या कीजिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट की डिफरेंस कीजिए दो फ्लोर के बीच में एंड सिंपली लैप लेंथ को जोड़िए फ्रेंड्स जब एक आर कॉलम में मेन स्टील बार को लैप किया जा रहा होता है तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए अदरवाइज ये चीज़ें हम नहीं करेंगे दिस विल बी टेक्निकल ब्लेंडर सबसे पहला मेनटेन द क्लियर कवर इन द आर कॉलम क्यों क्योंकि आर कॉलम में यदि आपने क्लियर कवर को नहीं मेनटेन किया तो ये डिजास्ट्रस हो सकता है करस्पॉन्डिंग टू अस्ट्रेंथ ऑफ आर सी सी मेम्बर प्लस इनकेस ऑफ फायर यदि प्रॉपर कवर नहीं मिलता है तो एक स्ट्रक्चरल मेंबर फायर के करस्पॉन्डिंग इसकी फायर रेटिंग घट जाती है अगेन स्ट्रक्चर विल बी एडवर्सली अफेक्टेड जब भी स्टील बार को मतलब नई स्टील बार को लैप किया जाता है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम कहने का मतलब ये देखिए नीचे से स्टील बार आ रही है और नए बार को आप लैप कर रहे हैं तो इस तरह से आप अंदर की फेस में लैप करेंगे क्यों क्योंकि जैसे ही आपने बाहर की तरफ लेके आए तो ये 40 एम mm एम का क्लियर कवर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है तो इन दोनों बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में डिस्कस किए गए पॉइंट आपके लिए वैल्यूएबल हो नॉलेजेबल साबित हो और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें सो फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग इट जय हिंद